हेलो गैस, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको ऐसी चीज़ दिखाऊंगा आज तक किसी ब्लॉगर ने नहीं दिखाया होगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोगों को पता होगा कि मैं अभी कहाँ हूँ, किस जगह पे हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग और दिखाते हैं आपको बेतिया के महाराजा स्टेडियम में कैसे बादल नीचे आ गया। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो सिर्फ मैं ही दिखा सकता हूँ और कोई ब्लॉगर नहीं। अभी तक आप पहाड़ों में देखे होंगे कि बादल नीचे आ जाता है जब बरसात होती है, लेकिन मैं आपको बेतिया में दिखाऊंगा, बेतिया के महाराजा स्टेडियम में बादल नीचे दिखाऊंगा। देखिए, आप इसको बादल बोल सकते हैं या फिर कोहरा बोल सकते हैं। ये ऐसा ही दिखाई देता है, कोहरे की तरह। आप कहीं पहाड़ों में घूमने जाते हैं तो जब बरसात होती है तो देखते होंगे कि बादल नीचे आ जाता है। तो आप, हम लोग दूर से देखते हैं तो ऐसे लगता है कि आसमान में जैसे दिखाई देता है, खुद वैसे ही बादल नीचे दिखाई देता है। लेकिन ये हम आपको पास से दिखाते हैं तो इसीलिए कोहरे की तरह दिखाई दे रहा है। तो पहाड़ों में भी अगर आप नज़दीक जाकर देखेंगे तो ऐसा ही दिखाई देगा, बिल्कुल कोहरे की तरह। तो आप इसको बादल बोलिए या फिर कोहरा बोलिए, दोनों सेम ही सेम है। तो मैंने सुबह सुबह यहाँ आया तो बादल की तरह दिखाई दे रहा था, तक सोचा क्यों ना मैं इसको ब्लॉग बनाकर आप लोगों को भी दिखा दूं। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।